ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, देखिए भी बहुत मजेदार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल है, डायरेक्शन में पढ़ते जाओ और उसका मार्किंग करते जाओ, ठीक है। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, हम लोग फटाक से मैप बना लेते हैं, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और तुम जहां बैठे रहते हो वहां से ये सेंटर है, तुम्हारा मूड़ी होता है ऐसे ऊपर, और तुम्हारा मूड़ी जब ऊपर रहता है तो इधर होता है तुम्हारा राइट और इधर होता है तुम्हारा लेफ्ट, बस इधर है, अगर इधर राइट है तो इधर क्या हो जाएगा, इस साइड में लेफ्ट ये राइट, और फिर यहाँ ऐसे आओगे ये लेफ्ट ये राइट, और यहाँ ऐसे जाओगे ये लेफ्ट ये राइट, तो एक सर्कल हो जाता है ना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना। हाँ बस आप पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ वुमन, देख महिला है, रन्स 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ, तो पहले ये कहाँ है हमें पता ही नहीं है, मान लो कि ये महिला कहाँ है, यहाँ खड़ी है, ठीक है, महिला यहाँ खड़ी है, इसको बीच में नाभि बना देता हूँ, ये इसका सेंटर है, ठीक है, महिला यहाँ खड़ी है और ये कह रहा है कि अपने 12 किलोमीटर चला टूवर्ड्स हर नॉर्थ, यानी अपने नॉर्थ में 12 किलोमीटर यानी ऊपर जाएगी नॉर्थ में 12 किलोमीटर, ठीक है 12 किलोमीटर चली, उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है देन 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ, यानी अपने ऊपर जाके फिर से नीचे आ रही है, पगल ही है एकदम से, है ऊपर से फिर नीचे आई 6 किलोमीटर, कितना 6 किलोमीटर साउथ में, ठीक है फिर नीचे आ गए, उसके बाद कह रहा है 6 किलोमीटर टूवर्ड्स हर साउथ एंड देन 8 किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट, यानी पूरब में 8 किलोमीटर चली, तो पूरब में 8 किलोमीटर इसको चला देते हैं, जैसे यहाँ है अब यहाँ से 8 किलोमीटर पूरब, तो पूरब इधर है, चलो भैया 8 किलोमीटर, ठीक है 8 किलोमीटर पूरब, ठीक है 8 किलोमीटर पूरब, और उसके बाद कह रहा है 8 किलोमीटर टूवर्ड्स हर ईस्ट, तो इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली देखते हैं, नॉर्मली तो जैसे इसको मैं क्या कर दूं, ऐसे सेंटर बना दूं, ये यहां से कहां चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये है नॉर्थ और ये साउथ, मतलब ईस्ट, ठीक है ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नॉर्मली हो जाएगी, लेकिन इसमें नॉर्थ ईस्ट दिया नहीं है, इसमें क्या पूछा है, कह रहा है कि एंगल लेस देन 45 डिग्री साउथ ईस्ट, एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ ईस्ट वाला तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ठीक है अब बचेगा एंगल लेस देन 45 या एंगल मोर देन 45, ठीक है मोर देन 45। अब देख कभी भी लेस देन या मोर देन कैसे निकलेगा, अगर कोई ये है जैसे अगर कोई स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर स्क्वायर रहता है, ये परफेक्टली 45 पर डिवाइड हो जाता है, ठीक है परफेक्टली 45 पे, लेकिन अगर कोई रेक्टेंगल रहेगा रेक्टेंगल तो परफेक्टली 45 पे डिवाइड नहीं हो पाएगा, कुछ एंगल ऊपर नीचे होगा, क्योंकि एक चीज बड़ा है एक साइड बड़ा रहेगा और एक साइड छोटा रहेगा, तो जो एंगल बनेगा ये 45 से कम ही बनेगा, और यहाँ देखेगी ये है 6 किलोमीटर और ये है 8 किलोमीटर, तो क्या ये एक रेक्टेंगल का टाइप नहीं लग रहा है, रेक्टेंगल ही बनेगा ना, स्क्वायर तो बनेगा नहीं, और जब रेक्टेंगल है तो इसका जो एंगल बनेगा वो लेस देन 45 डिग्री बनेगा, बस इसमें तो आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ये एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, समझ में आया, कटक से सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, है कि नहीं।